मैम दास पलांगी, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं क्लास 12वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसमें से हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधि देख रहे थे, उसमें नेक्स्ट जो विधि है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो है हमारा मोल प्रभाज। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे भाई अभी? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होता क्या है ये हम जानेंगे। तो मोल प्रभाज एक जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, जो विलयन की सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये होता क्या है ये हमको देखना है। तो ये होता है हमारा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर होता है हमारा, हम बोल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है हमारा? मोल प्रभाज कहलाता है। या तो ये बोल सकते हैं आप, यहाँ पर एक तरीका और है आपका बताने का, वो ये है कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, संख्या और विलयन के कुल मोल की संख्या, विलयन के कुल मोल की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। तो मोल प्रभाज को दो तरीका से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। ये तो बोल सकते हैं आप कि विलेय की मोलों की संख्या है ना, और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है उसे हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर इसको शो करने के लिए, यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज को क्या करने के लिए, शो करने के लिए एक्स बी का प्रयोग किया जाता है, अगर विलेय को लेते हैं तो, और इसको अगर देखें इसके लिए एक्स ए लिया जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर विलेय के जो मोलों की संख्या होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एन बी। विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक होता है, तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं एन ए, प्लस विलेय की मोलों की संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं एन बी। तो इसी को इस तरीका से दर्शा सकते हैं, विलेय की मोलों की संख्या को किसे दर्शाते हैं भी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि एन ए क्या होता है विलायक को शो करता है और एन बी क्या होता है विलेय के शो करता है, और दोनों को मिलने से क्या बनाता है हमारा, विलयन बनाता है। इसलिए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी। तो इसी को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या मोल को दर्शाते हैं एन से, और विलायक के लिए सिंबल हम क्या कर रहे हैं ए का, तो इसको एन ए हो गया। अब नीचे में तो सेम है, विलयन के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीका से हम विलायक के लिए भी क्या कर सकते हैं, मोल प्रभाज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एन बी होता है, एन बी क्या होता है भाई, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या है हमारा, मोलों की क्या है, संख्या है। अब ये जो विलेय की मोलों की संख्या होता है, यहाँ पर जो है एन विलेय आप मोल है और बी विलेय को प्रदर्शित करता है, और इसके बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा डब्लू बी, ये होता है हमारा विलेय का द्रव्यमान, और एक होता है हमारा एम बी, ये होता है हमारा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो डब्लू बी बराबर क्या होता है भाई, विलेय का द्रव्यमान, और ये क्या होता है हमारा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर मोल जो आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं, मोल का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, बट यहाँ पर हम विलेय की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एन बी लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। सेम हम किसके लिए कर सकते हैं, विलायक के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसी के लिए अगर हम करें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन ए बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है विलायक का द्रव्यमान, और ये क्या होता है हमारा एम जो होता है एम ए, एम ए ये क्या होता है हमारा विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो इस तरीका से एन ए के बराबर इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पर डब्ल्यू ए जो होता है वो विलायक के द्रव्यमान को शो करता है, और एम ए जो होता है विलायक के द्रव्यमान को शो करते हैं। तो इसके आधार पर इसको और आगे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एन बी बराबर कितना रख सकते हैं भाई हम लोग, ये रख सकते हैं डब्ल्यू बी है ना, और ये क्या हो जाता है हमारा एम बी। ये तो हो गया हमारा एन बी का मान, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है हमारा एन ए है, और एन ए बराबर कितना रखे हैं हम लोग, ये रखे हैं डब्ल्यू ए अपान कितना है हमारा एम ए, तो ये हो गया एम ए। अब दोनों के बीच में क्या है, देखो प्लस है, तो हमने क्या कर दिया प्लस। अब डब्ल्यू बी
जो है यहाँ पर फिर से एन बी आ गया, तो एन बी बराबर कितना रखेंगे पहले के जैसा, तो एन बी डब्ल्यू बी अपान कितना हो जाता है एम बी। तो इसी को इस तरीका से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। सेम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, एन ए बराबर कितना होता है भाई, ये हो गया डब्ल्यू ए, ये हो गया हमारा एम ए डिवाइडेड भाई, फिर से वही लिखना है डब्ल्यू ए अपान कितना होता है एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान क्या हो जाता है हमारा एम बी। तो इस तरीका से विलेय के मोल प्रभाज को क्या किया जा सकता है, या मोल प्रभाज को क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है भाई। तो ये हो गया हमारा मोल प्रभाज, जिससे विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त किया जा सकता है। यदि आपको प्रश्न के तौर पर इसको क्या कर दे, क्वेश्चन कर दे, तो आप बोल सकते हैं कि विलेय के या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन की कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। और मोल प्रभाज को हम विलेय के लिए अलग निकाल सकते हैं, विलायक के लिए अलग निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हमको क्या होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर चाहे आप कितना के कितना भी विलेय ले लें, कितना भी विलायक के लें, और सबका अगर मोल प्रभाज निकालें, तो उस स्थिति में सबका जो मान होता है, ये जो मान होता है वो यूनिट में प्राप्त होता है, मतलब इकाई में क्या होता है, प्राप्त होता है, है ना। मतलब इतना ही नहीं, आप कहीं से को भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स ए एक्स बी एक्स सी कितना भी ले लें, सब कितना होता है हमारा इकाई में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीका से एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना लिखा जाता है, एक लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं, तो यहाँ पर आप एक्स ए और एक्स बी का मान रख के क्या कर सकते हैं, यूनिट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे है थोड़ा सा देखते हैं भाई हम लोग। जैसे एक्स ए का मान क्या मिला है लास्ट में, ये मिला है हमारा डब्ल्यू ए, साथ में क्या मिला है हमारा एम ए डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा एम ए, ये हो गया प्लस ये क्या बचा है हमारा डब्ल्यू बी अपान कितना बचा है एम बी, ये तो किसका हो गया एक्स ए का मान, प्लस एक्स बी का मान रख दो भाई यहाँ पर, एक्स बी का मान कितना है देखो वहाँ पर, ये मिला है हमारा डब्ल्यू बी अपान एम बी, है ना, ये है, और डिवाइडेड बाई कितना कर दें अगर हम, तो ये हो जाता है हमारा डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान क्या होता है एम बी हो जाता है। अब चूंकि प्लस है तो इसमें का जो नीचे को देखो, ये दोनों क्या हो जाता है हमारे, नीचे का जो मान है हमारा समान है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं, है ना, नियमतः। तो यहाँ पर हम इसको आगे करें सॉल्व, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों कॉमन है तो हम एक को ले लेते हैं, तो कितना हो जाता है डब्ल्यू ए, उसके अलावा क्या हो जाता है एम ए प्लस ये होता है डब्ल्यू बी, और ये क्या हो जाता है हमारा एम बी। तो हम लोग दोनों में से एक को ले लिए, ऊपर क्या बचा है भाई हमारा, ऊपर बचा है हमारा डब्ल्यू ए अपान कितना हो जाता है हमारा एम ए प्लस इधर क्या बचा है हमारा डब्ल्यू बी, और ये बचा है एम बी। तो इस तरीका से एक मान प्राप्त होता है, और इसको अगर क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो अंतः हमारा जो मान होता है वो मान क्या हो जाता है, एक में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक्स ए एक्स बी या चाहे कितना भी ले लें, हमेशा इसका मान क्या होता है, यूनिट या इकाई में प्राप्त होता है। तो इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये मोल प्रभाज होता है, इससे रिलेटेड क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है भाई। तो उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है भाई, देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या किया गया है, दिया गया है, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, उदाहरण में एक विलयन है, और उस विलयन में आपका, उस विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 25% उस विलयन में आपका जल है, 25% आपका एथिल अल्कोहल है, और 50% आपका एसिटिक अम्ल है। तो उस विलयन में सभी का क्या करना है, आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। एक चीज़ और, आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र जानना जरूरी है भाई। जैसे यहाँ पर मैं किनारे में बता दूँ, तो यहाँ पर जैसे हमारा एक्स बराबर क्या लिखे थे हम लोग, एन बी अपान क्या लिखे थे, एन ए प्लस एन ए लिखे थे। उसी प्रकार यहाँ पर ये तो बी के लिए हो गया, एन ए बराबर कितना लिखे थे हम लोग, एन ए अपान क्या लिखे थे, एन ए प्लस एन बी। इसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे, तो पहले आप क्या निकालेंगे, विलेय का या विलायक का क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। उसके बाद जो मोल निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तब जा करके मोल प्रभाज ज्ञात होगा। तो सबको पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, जल का मोल निकालना पड़ेगा, है ना, एथिल अल्कोहल का निकालना पड़ेगा, एसिटिक का अम्ल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ये मान ज्ञात हो जाएगा, ये मान ज्ञात हो जाएगा, फिर इन दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद टोटल मान ज्ञात करेंगे, और उस टोटल मान को फिर जो जल का या जो भी आपको पदार्थ दिया है उसका जो मोल होगा उसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तब जा करके मोल प्रभाज क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस उदाहरण से क्या करते हैं हम लोग भाई, समझते हैं, ठीक है। तो चलिए,
हम लोग चलते हैं किधर की ओर, उदाहरण की ओर। तो उदाहरण में क्या लिखा है भाई, देखिए एक बार फिर से कर देते हैं। एक बिलियन में द्रव्यमान का अनुसार 25% जल है। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, ये आप जानते हैं। एथिल अल्कोहल 25% है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है भाई, ये भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल बोलते हैं, पीने का शराब है भी ये। 50% एसीटिक अम्ल है। एसीटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अब हमको क्या करना है, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भाई, हमको सबसे पहले सभी का मोल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं, जल का मोल देखते हैं। जल का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मोल। जल का मोल ज्ञात करेंगे। तो जल का मोल ज्ञात करने के लिए आपको पता है, मोल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है भाई, है ना। जल क्या है, विलायक है, तो विलायक का मान सकते हैं उसको। तो वहाँ पर WA अपान क्या होता है, MA होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं WA अपान क्या लिख सकते हैं, MA। चलो विलायक मान के करते हैं, तो WA अपान क्या हो जाता है हमारा, M, क्योंकि इसको किससे दर्शाएंगे, NA से दर्शाएंगे। तो NA बराबर क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है WA अपान MA। अब देखो यहाँ पर WA का मान क्या दिया गया है भाई, WA दिया है, उसका द्रव्यमान कितना दिया है 25%। ये हम लोग कितना कर दिए, 25%, ये उसका द्रव्यमान हो गया। M किसको दर्शाता है, आणविक द्रव्यमान को। अब पानी का आणविक द्रव्यमान आपको जो है पता होगा, H2O, इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, है ना, 8 × 2 = 16 होता है उसका भार जो है, और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पर 16 और 2 को जोड़ दें तो कितना आ जाता है भाई, 18। तो ये हो गया उसका हमारा आणविक द्रव्यमान, किसका, पानी का। अब इन दोनों को हमको क्या करना है भाई, काटना है, है ना। तो चलिए काट देते हैं, और उसके बाद जो मान होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो 25 छोटा बड़ा है, 18 क्या है, छोटा है, तो हम आसानी से काट सकते हैं भाई। तो 18 को 25 से भाग देंगे अगर, तो कितना आएगा, 18 एकम 18 आएगा, ये होगा 18 एकम 18। अब 18 तो चला गया, अब 25 में कितना बच गया, 7 बच गया। अब 7 बच गया, है ना, 25 एक बार चला गया, अब 7 बचा है। अब 7 को हम 18 से काटते हैं, तो 18 बड़ा हो गया, तो दशमलव लगाते हैं, कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कितना बार काट सकते हैं, मान लो 20 होता तो कितना बार जाता, 3 बार जाता, 4 बार तो जाने की गुंजाइश नहीं है। तो हम लोग कितना करते हैं, इसको 3 बार में काट के देखते हैं। तो ये होता है 70, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 8 × 0 = 8, 7 कितना हो गया हमारा 56, 56 का कितना हो गया, ये हो गया 8 × 7 = 56। अब इतना कितना है हमारा, 1 × 0 = 0 हो गया, और 7 एकम कितना हो गया, 7 हो गया। तो कितना बचा, ये हो गया 6, और ये हो गया 7 × 5 = 12, है ना। अच्छा 70 है भाई, रुको एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 18 को हम लोग कितना बार करते हैं, 3 बार करते हैं, है ना, ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया, 70 है, और ये कितना है, 18 है। तो 3 बार करके देखते हैं, तो ये हो गया इंटू कितना हो गया, 3, 3 × 0 = 0, 7 × 3 कितना हो गया, 21। एक मिनट, ये हो गया 18, फिर कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 18, तो 8 × 16 = 24 का 24 का कितना हो गया, 4 हासिल, 2, तो कितना हो गया, 3 × 2 = 5, तो 3 × 2 = 5 कितना आ गया, 54 आ गया। तो लगभग कितना बार जाएगा हमारा, 3 बार जाएगा। अब 54 आ गया, 3 बार हम लोग क्या करते हैं उसको करते हैं, तो 3 में कितना आ जाता है हमारा, 54 आ गया। अब कितना बचा है हमारा, 54 में अब बच गया आपका 6 और 10, 16 बच गया। अब 16 बचा है, अब 16 जो है हमारा 18 से फिर छोटा है, तो जब उसको फिर से क्या करते हैं हम लोग, दशमलव ले लेते हैं, तो दशमलव लिया है, तो ये हो जाता है 160। और जब 18 से पुनः इसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो लगभग कितना बार जाता है हमारा, ये 8 बार क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस तरीका से जो हमारा क्या होता है, हमारा जो 25/18 होता है, जो हमारा क्या होता है, अजल का जो क्या होता है हमारा मोल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा जो मान होता है, ये मान आपका कितना होता है, 3.1 क्या होता है, 3.8 आता है। तो ये हमारा किसका निकल गया, हमारा जल का मोल निकल गया। अब हमको किसका निकालना है भाई, हमारा एथिल अल्कोहल का निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एथिल अल्कोहल का क्या देखेंगे भाई, मोल देखेंगे। तो इसके लिए पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, एथिल अल्कोहल का मात्रा कितना दिया है हमारा, 25 दिया है। अब उसका जो है हमको क्या निकालना है, अगर उसका आणविक भार निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपका, C2H5OH। अब देखो कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का 2 दिया है, तो कितना हो गया, 12 × 2 = 24 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 5 दिया है, और एक 6 दिया है, एक दिया है, तो टोटल कितना हो गया, 6। ऑक्सीजन 1 दिया है, मतलब 16 हो गया। अब इतना को जोड़ दो, ये हो गया 6 × 6 = 12, और 12 और 4 कितना हो गया, 16, तो 16 के कितने हो गए, 6, हासिल कितना आ गया हमारा,
एक हो गया। अब ये देखो, दो और एक कितना बच गया, तीन, तीन और एक कितना हो गया, चार, तो ये कितना आ गया आपको 46। अब 46 को 25 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो उस स्थिति में ये बड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा भाई। तो ये हो गया 0.। अब कितना हो गया हमारा, 250 हो गया। अब 250 जो है उसको हम कितना से भाग दें, 46 से भाग दें, तो कितना बार जा सकता है, तो लगभग ये हम देखे हैं तो 5 बार जा सकता है। आप कर सकते हैं, जैसे 6 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया, तो 6 × 5 कितना हो जाता है हमारा, 30 हो गया। हासिल कितना आ गया, 3 हो गया, 5 × 4 = 20, और 20 × 3 कितना हो गया हमारा, 23। तो यहाँ 230 आ रहा है, कितना में आ रहा है हमारा, 5 में। अब देखो 150 250 में कितना बच गया हमारा, 230 तो चला गया, बचा कितना है हमारा, 20 बचा है। अब 20 जो है फिर 46 से छोटा हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं, है ना। अब 0 लग दिया तो कितना हो गया, 200 हो गया भाई। अब 200 के कितना से हम लोग, 46 से काटते हैं, तो लगभग 4 बार क्या कर सकता है, जा सकता है। कर लो आप एक बार फिर से, तो 46 × कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, तो 6 × क्या हो गया, 24 का कितना हो गया, 4। हासिल 2, 4 × क्या हो गया, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 हो गया, 16 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया, तो लगभग कितना हो गया हमारा, 184 हो गया। तो ये कितना में जा रहा है हमारा, 4। तो ये हो गया हमारा 0.54। तो इस तरीका से हमने जो है एथिल एल्कोहल का भी क्या प्राप्त कर लिया, मोल जो है प्राप्त कर लिया। तो ये आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब किसका बचा है हमारा, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल के पास चलते हैं, चलिए ठीक है, इसको काट देते हैं और फिर एसिटिक अम्ल के पास चलते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल का मोल, एसिटिक अम्ल का क्या देखेंगे, पहले हम लोग मोल देखेंगे, फिर वही होगा हमारा WA/MA, या ये बोल सकते हैं WB/MB, क्योंकि दोनों है, बिले भी है और विलायक भी है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है द्रव्यमान लेना पड़ेगा, कितना है भाई इसका द्रव्यमान, 50। यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया। ये क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान नहीं है ना, खाली द्रव्यमान है। अब आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो फिर से किसके पास जाएंगे, एसिटिक अम्ल का फार्मूला के पास, ये है एसिटिक अम्ल। अब देखो एक कार्बन का 12 होता है ना, हाइड्रोजन टोटल देखेंगे तो 4 है, एक और कार्बन है हमारा तो इसका भी 12 है, ऑक्सीजन क्या है, 2 बार है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया। अब सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 8 और 2 कितना हो गया, 10, तो ये हमारा 0 हो गया। हासिल कितना है, 1। अब देखो देखो 3, 2, 5, और 5 और 1 कितना हो गया, देखो ये हो गया 3, 3 और 3 और 1 कितना हो गया, 4, ये 3 है और 1 क्या है, 1 है, 4 हो गया, 4 और 1 = 5, और ये कितना बचा है, 6 है ना, तो टोटल कितना हो गया, 6, तो इसका कितना आ गया भाई हमारा, 60 आ गया। तो ये हमारा इसका कितना आ गया, 60। ये किसका आया हमारा, एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आ गया, आणविक द्रव्यमान आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो फिर से देखो 50 छोटा है, 60 बड़ा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये 500 हो गया। अब 500 को हम लोग क्या करते हैं, कितना से भाग देते हैं, मतलब 60 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार जा सकता है, तो उसको हमको देखना है, देखते हैं कितना बार जा सकता है। वैसे 6 × 2 कितना होता है हमारा, 60 होता है, मतलब 10 बार करेंगे तो वो जो है आपका ज़्यादा चला जाएगा, 9 बार करके देखते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाता है, 8 बार करके देखते हैं, 8 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया, ये हो गया, 8 × 6 कितना हो गया भाई, 48 हो गया। तो ये कितना आ रहा है, 480 आ रहा है, मतलब कितना बार जा रहा है, पहले में हमारा 8 बार जा रहा है, तो ये हमने कितना कर दिया, 8। अब देखो कितना बच गया हमारा, 20 बच गया, 20 बच गया, मतलब ये कितना हो गया, 200 हो गया। अब 200 को कितना से देना पड़ेगा, भाग जो है वो देना पड़ेगा 60 से, तो 6 × 18 मतलब कितने बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है। फिर वही बच गया तो लगभग 3 बार जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं करते, इतना तक करते हैं। तो इस तरीका से हमने तीनों का क्या कर लिया, पहले मोल क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब मोल प्राप्त कर लिया, अब तीनों को मोल की संख्या को क्या करना पड़ेगा भाई, कुल मोल की संख्या ज्ञात करना है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका फार्मूला ए कहता है कि ये हो गए विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, और उसके बाद क्या होता है, विलेय और विलायक की कुल मोलों की संख्या। तो हमने इन दोनों का मान क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। इसमें पानी है, एथिल अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, तो मान लेते हैं पानी विलायक है और ये सब क्या है, विलेय हैं। तो विलायक का भी हम लोग मोल ज्ञात कर लिया, विलेय का भी मोल ज्ञात कर लिया। अब सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब तो कुल मोल ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो कौन कौन से है भाई, ये हमारा हो जाता है हमारा 1 पॉइंट कितना है हमारा, 3 और 8 प्लस
यहाँ पर कितना है भाई हमारा, ये है 0. कितना है 5.4, ओके। और इतना लास्ट में कितना है 0.83, ये हमारा सबका मोल आ गया। अब सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो मान कितना मिलेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको और जोड़ने का कई तरीका है भाई हम लोग, या तो हम यहीं से जोड़ सकते हैं, चलिए चलते हैं। ये देखो ये हो गया 3, और 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 और 8 कितना हो गया हमारा, देखो ये 3 आया है, 4 3 कितने हो गए 7, ये दोनों हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर 4 3 7 7 7 14 और 1 15 का कितना आ गया हमारा 5 आ गया, है ना, क्योंकि 8 और 7 15 होता है, हासिल कितना है 1 है। अब देखो हम किसके पास चलते हैं, 8 के पास, ठीक है। तो 8 को हम लोग जोड़ते हैं भाई, ये किसके जोड़ेंगे, 8 और 5 और कितना जोड़ेंगे 3 को जोड़ेंगे, है ना। तो कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13, है ना। 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, तो कितना हो गया 17 का 7 हो गया, ठीक है। हासिल कितना आ गया, फिर से 1 आ गया। अब देखो इसमें तो 0 0 है, 1 है, तो 1 को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर, 1 और 1 कितना हो गया भाई हमारा 2 हो गया। तो इस तरीका से कितना प्राप्त हो गया 2। अब दशमलव कितना के बाद है, देखो 2 के बाद है, तो हमने 2 के बाद क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया, तो हमको जो है कुल मोल क्या हो गया, प्राप्त हो गया कितना 2.75। अब ये जो 2.75 मिला है, उस सब को हमको क्या करना है, सबके मोल प्रभाव से क्या करना है, भाग देना है। तो अब किसके लिए मोल प्रभाव निकालना पड़ेगा भाई, अब निकालना पड़ेगा जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल प्रभाज निकालने के लिए बिले या विलायक का जो क्या होता है मोल होता है, तो बिले और विलायक मोल देखेंगे। तो पानी के लिए निकाल रहे हैं कितना है 1.38, और विलयन का कुल मोल प्रभाज या मोल जो होता है वो कितना है हमारा 2.75 है। तो हम लोग परिभाषा में लिखे हैं विलेय या विलायक के मूलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेय और विलायक के कुल मूलों की संख्या, अर्थात विलयन की कुल मूलों की संख्या, उन दोनों का अनुपात निकालेंगे तभी मूल प्रवाह निकलेगा। तो ये तो हो गया हमारा पानी के मूल हो गया, और ये टोटल मूल हो गया। अब दोनों को हम क्या कर दें, काट दें, तो वो जो मान मिलेगा वही मान क्या होगा, जल का मूल प्रभाज होगा। तो ये देखो हमारा अगर हम देखें तो ऊपर वाला छोटा है, ये क्या है हमारा बड़ा है। वैसे हम लोग जो है पॉइंट को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये पॉइंट खत्म हो गया। तो कितना बचा हमारा, ये बचा हमारा 138 बचा, और 200 कितना बचा है भाई 75 बचा है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे हम लोग, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, तो ये पॉइंट में चला गया। अब पॉइंट में ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना है हमारा, अब ये कितना हो गया 138, है ना। अब 138 है, अब पॉइंट लेते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 1300 कितना हो गया 80। अब 275 से क्या करेंगे, उसको काट देंगे, तो 275 से देखें तो लगभग 6 बार जा सकता है भाई। तो आप कर सकते हैं इसको कितना से हमारा 275, है ना, रुको, है ना, इसको काटना पड़ेगा भाई एक मिनट। तो 200 ये हो जाएगा 200 कितना हो गया 75 भागित कितना कर देते हैं हम लोग लगभग 6, गुणित में कितना कर देते हैं 6, ओके। अब जो है करके देखो 6 बार में जा रहा है तो ठीक है, तो कितना हो गया 6 5 6 30 का 0, हासिल कितना आ गया 3, 6 6 36 6 7 42 42 और 5 कितना हो गया 42 और 3 45 हो गया, हासिल 4, 6 2 12 और 12 और 4 कितना हो गया 16। तो ये ज़्यादा चला जा रहा है लग रहा है, ठीक है, कम करके देखते हैं भाई इसको, इसको हम क्या करते हैं कम करते हैं। अगर मान लो 200 रहता, है ना, मान लो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं भाई, कैसे, ये मान लो 200 है और ये कितना है हमारा 1200 है, तो लगभग हम देखेंगे तो 6 बार तो नहीं, 2 छक्का 12, 5 में करके देखते हैं कितना बार जाता है। ये हो गया 275 इंटू कितना हो गया 5, 5 5 25 का 5, हासिल 2, 7 5 6 35, 35 और 2 37, बचा 3, है ना, 5 2 10 और 3 13, ये ठीक जा रहा है भाई। तो ये मेरा कितना चला गया हमारा 5 बार। अब कितना बचा है देखो 1375 हो गया, और हमारा 1380 है, मतलब 5 बज गया। अब 5 बज गया तो उस स्थिति में देखो हम लोग अगर यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं तो कम पड़ जाता है, तो एक और हम क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं ताकि ये 500 हो जाए। अब 500 हो गया हमारा, अब 500 को कितना करेंगे हम लोग 275 से भाग देंगे, तो लगभग 1 बार जाएगा,
ठीक है, क्योंकि डबल में ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, जल जल की जो मोल प्रभाज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जल का मोल प्रभाज इतना हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से हमको क्या प्राप्त हो गया, जल का क्या हो गया भाई, मोल प्रभाज प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, बाकी का भी क्या करना है, मोल प्रभाज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं किसके पास, एथिल एल्कोहल के पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जल का, अब किसको देखेंगे, एथिल एल्कोहल का देखेंगे भाई। एथिल एल्कोहल का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एथिल एल्कोहल का मान कितना है हमारा, ये मिला है हमारा 0. क्या मिला है, 54। ये तो हो गया उसका मोल। अब टोटल मोल कितना है हमारा भाई, ये मिला है 2.75, है ना। अब इसके लिए भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम काट दें तो वहाँ पर क्या बचता है हमारा, ये बच जाता है हमारा 54, है ना, ऊपर नीचे कट गया। तो बचा क्या है हमारा, ये बच गया है 200, कितना बचा है 75। अब जो है यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अगर पॉइंट लगाते हैं तो कितना हो गया है हमारा 500, कितना हो गया हमारा 40 हो गया। दो बार जा सकता है हम लोग, देखते हैं दो बार करके, 275 कितना हो गया हमारा 2, ये कितना हो गया हमारा 5 × 2 = 10 का कितना हो गया 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 × 2 कितना हो गया हमारा भाई 14, 14 × 1 कितना हो गया 15, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 1, 2 × 2 = 4 × 1 = 5, 500 कितना हो गया 50, ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक ही बार जाएगा हमारा, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 1। अब एक बार में जाता है अगर, तो उस स्थिति में फिर तो बहुत सारा बच रहा है भाई, 275 ये हो गया, और 275 में एक बार जा रहा है क्योंकि डबल हो जा रहा है, तो 275 बच गया, तो आपका कितना होगा हमारा, अब उसमें हो गया सी और 25, ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 300, तो 300 और ये 200, 225 और 225 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 265, 265 है ना। देखो ये हमारा हो गया 75 में चला गया हमारा, तो इतना में माइनस कर दो, मान लो ये हो गया 540 जो है, माइनस में कितना करेंगे हम लोग, एक मिनट, ठीक है, ये कितना हो गया 540 और माइनस कितना करेंगे भाई हम लोग 275, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5, ये कितना हो गया हमारा 13, 13 में कितना चला गया हमारा 7, 7 × 5 कितना होता है 12, तो 13 हो गया, 13 में कितना 7 गया, तो बचा 6, इतना कितना बचा है हमारा 4, तो ये हो गया हमारा 265 लगभग यहाँ पर क्या हो रहा है, बच रहा है। फिर से उसको हम क्या करेंगे, अगर आगे उसको भाग देंगे तो लगभग कितना आ रहा है 2600 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब उसको 275 से कितना करेंगे भाग देंगे, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कितना बार जा सकता है, तो लगभग ये 275 है, तो 3 × 9 = 12 × 3 = 15 × 3 = 18 × 3 = 27 × 8 = 21 लगभग 8 बार क्या कर सकता है, जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना मान लेते हैं हमारा 0. क्या हो जाता है 18 आ जाता है। तो इस तरीका से एथिल एल्कोहल का क्या किया जा सकता है भाई, हमारा मोल प्रभाज ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा किसका, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। सेम हम किसके लिए निकाल सकते हैं भाई, एसिटिक अम्ल का। थर्ड नंबर कौन सा है हमारा, एसिटिक अम्ल है। अब ये जो एसिटिक अम्ल का ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर टोटल मान कितना आया है हमारा, ये आया है हमारा 0. क्या है हमारा 83 है। टोटल मान कितना प्राप्त हुआ है हमारा, ये मिला है 2. कितना हो जाता है हमारा 75। यहाँ से अगर काट दिया जाए तो यहाँ पर हमारा फिर से हमको क्या लगाना पड़ेगा, जो है दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 800 कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब 275 में इसको क्या करें भाग देंगे, तो कितना बार जा सकता है, ये लगभग 3 बार जा सकता है ना, तो आप कर देना 3 बार करते हैं, तो 5 × 3 कितना हो जाता है 15, 1 × 7 = 21, 21 × 1 = 22, हासिल 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 8, तो ये हमारा ये कितना बार चला गया 3 बार, क्योंकि और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 3 बार चला जाता है, तो 0. कितना हो गया 3। अब 825 5 बज गया भाई हमारा, 5 बज गया हमारा, 5 बज गया, दशमलव में कितना हो जाता है 50 हो जाता है, बट वहाँ पर हमारा 50 हो जाएगा, तो एक हमारा क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो 500 हो गया, और 200 हमारा 75 से इसको काट दें, तो उस स्थिति में लगभग जो है एक बार जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीनों का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीका से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिए गए पदार्थ में
जो भी पदार्थ दिया है उसका आपको मोल निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों के या तीनों के या चार का जो भी दिया है उन मोलों को क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के बाद टोटल जो मान रहेगा उसको मोल से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो जो मान आएगा वही उसका क्या होगा, आपका मोल प्रभाज होगा। तो ये हमारा हो गया आपका मोल प्रभाज से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, ये हो गया।